एक बरस हो गए चारों धाम की यात्रा किए हुए महाराज, अभी तक गोद सुनी है। लगता है जिंदगी भर सुलगती रहूंगी गीली लकड़ी की तरह औलाद के लिए। निराश ना हो बेटी, भगवान अपने भक्तों के साथ विचित्र खेल खेलता है, उसकी लीला न्यारी है। प्रभु ने हमें धन दौलत मान इज्जत सब कुछ दिया है, लेकिन संतान के लिए तरसा रहा है। भगवान की लीला अपरंपार है ठाकुर साहब, उसके घर देर है अंधेर नहीं, उस पर विश्वास रखिए, बहुत जल्द आपकी सूनी हवेली खुशियों से भर जाएगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, ठाकुर साहब ने देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा। निवला से कहना कि मैंने जो वादा किया है उसे पूरा करूंगी। महुआ, वो काली पहाड़ी वाला आदमी यहाँ क्या कर रहा था? जी, वो रामपुर का पता पूछ रहा था। बकवास बंद कर, तो अच्छी तरह जानती है ये काली पहाड़ी वाले लोग उस शैतान नेवला को पूछते हैं। वो जहरीला नाग अपनी काली विद्या की शक्ति से मासूम गांव वालों को गुमराह कर रहा है, उनकी बहु बेटियों की इज्जत के साथ खेल रहा है वो कमीना। एक दिन मैं उसके पाप की नगरी का नाम और निशान मिटा दूंगा। और महुआ याद रख, आज के बाद मैंने तुझे उसके गिरोह के किसी आदमी के साथ देखा तो तुझे धक्के मार मार के निकाल दूंगा। प्रताप, अरे प्रताप, प्रताप आओ मौसी आओ। बहू कहाँ है? पूजा कर रही है। ले ये देख कैसी है, पसंद आई? अच्छी है। जयपाल की लड़की है, बात पक्की करूं? किसके लिए मौसी? तुम्हारे लिए और किसके लिए, 5 बरस तुम्हारी शादी को हो गए हैं, अब तक औलाद नहीं हुई तो अब क्या होगी? लेकिन पुजारी ने कहा था कि... अरे गोली मारो पुजारी को, रेत के ढेर में कभी फूल पैदा हुए हैं? अरे दूसरी शादी नहीं करेगा तो वंश कैसे चलेगा, तुम्हारी पत्नी तो बांझ ही रहेगी। मैं कहां कहां नहीं भटकी, पीरों पैगंबरों के दरगाहों में जाकर चादरें चढ़ाई, नंगे पांव मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगी, लेकिन मेरे नसीब में औलाद नहीं, औलाद नहीं। तुम्हारी तकदीर में औलाद है? नहीं महुआ नहीं, मैं वाकई रेत का ढेर हूँ जिसमें कभी फूल नहीं खिल सकता। फूल पत्थर में भी खिल सकता है अगर मेरा कहा मानो तो। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा काली पहाड़ी। काली पहाड़ी? कहीं तुम पागल तो नहीं होगी? पागल तो तुम हो जाओगी जब इस घर में तुम्हारी सौतन आएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसा ही करेंगे, ठाकुर को अपना वंश चलाने के लिए औलाद चाहिए, और औलाद पाने के लिए वो किसी भी कीमत पर तुम्हारी सौतन लेकर ही आएंगे। नहीं नहीं बाबा। मेरा कहा मान लो मालकिन, ठाकुर साहब को कुछ पता नहीं चलेगा, हम रात के अंधेरे में जाएंगे और सुबह की किरण से पहले लौट आएंगे। ये राज हम दोनों के बीच ही रहेगा मालकिन, यकीन मानो नेवला इंसान नहीं साक्षात चमत्कार है। लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा, अगर लड़का हुआ तो तुम उसे नेवला का नजराना समझकर रख सकती हो, लेकिन अगर लड़की हुई तो वो काली पहाड़ी की अमानत होगी, तुम्हें उसे नेवला के हवाले करना होगा। बोलो मंजूर है? अरे
चली। मेरी किस्मत फूटी थी जो तेरी जहरीली बातों में आ गई और ये पाप कर बैठी। औलाद का मुंह देखोगी तो पाप पुण्य बन जाएगा। क्या हुआ मौसी? बधाई हो प्रताप, बधाई हो प्रताप, बधाई हो। अरे तेरी पत्नी को बच्चा हुआ है। बधाई हो प्रताप, बधाई हो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बधाई हो ठाकुर साहब। बोलो मौसी, लड़का हुआ या लड़की? लड़की। लड़की? लड़की तो घर की लक्ष्मी होती है। फिर देख तो सही, इसकी सूरत बिल्कुल तुझ पे गई है। वही नाक, वही नक्शा। लाजो, आज मैं बहुत खुश हूं, पूरे गांव को दावत दूंगा। रघु, बलराम, सावंत, दावत का इंतजाम करो। तुम जाओ। दाई, तुम भी जाओ, बच्ची को मैं देख लूंगी। बड़ी प्यारी बच्ची है। ठाकुर साहब देर से घर लौटेंगे तो नेवला की अमानत उसे पहुंचा दे। नहीं, पागल हो गई हो क्या? मैं अपने बच्ची को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। अनर्थ हो जाएगा। तुमने नेवला को वचन दिया था कि अगर लड़की हुई तो तुम उसे। नहीं मौ, नहीं। परसों बाद हमारी वीरान दिलों ने खुशियों के सपने देखे हैं। हमारे होठों ने मुस्कुराना सीखा है। नेवला से कहो वो हमारी खुशियां न छीने, हमारी खुशियां न छीने। अगर तुम अपने वादे से मुकर गई तो नेवला अपनी शैतानी ताकत से तुम्हारे सारे खानदान को जलाकर राख कर देगा। मुझे बच्ची हर कीमत पर चाहिए। जाओ उस बज्जात को जहर दे दो। मालकिन, दूध। मोह, ठाकुर साहब आ गए? अभी तक नहीं आए। हाँ मालकिन, मैंने तुम्हें जहर दिया है। लॉगिन, आखिर तूने मुझे डस ही लिया ना। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये बच्ची काली पहाड़ी की अमानत है और ये काली पहाड़ी ही जाएगी। रुक जा कमीनी, भगवान से डर। रघु, शंकर, कोई रोको इस लाइन को, मेरी बच्ची ले जा रही है। मुझे माफ कर देना प्रभु, मैं तेरी राह से भटक गई थी, लेकिन इसकी सजा मेरी बेटी को मत देना, मत देना। ठाकुरायन, ठाकुरायन। लाजो, लाजो, क्या हुआ लाजो? बोल लाजो। भगवान ने
मुझे जहर दे दिया। क्या? वो हमारी बेटी को काली पहाड़ी लेबला के पास ले गई। लाजो लाजो लाजो। बच्ची को हाथ लगाया तो लाशों का ढेर लगा दूंगा। फिर से लौट जाओ ठाकुर, ये बच्ची काली पहाड़ी की अमानत है। जानता था नेवला, तू इंसान नहीं शैतान है। ठाकुर प्रताप सिंह, एक दिन तेरी बच्ची इन्हीं पहाड़ियों में लौट आएगी। काली पहाड़ी की अमानत है, नेवला का वरदान है। जनक जनक पायल बाजत देखी है,
तब से मेरे रोम रोम में पायल बज रही है। और गोपी किशन मेरी नस नस में समा गया है। जब भी कोई सुरीली तान सुनता हूं तो मेरी चाल बदल जाती है। ओह शट अप यू इडियट, आज के बाद तो अगर मेरे बेडरूम में आया ना तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। अरे जाने भी दो बेटी, गोपी जाके नाश्ता लगा। लगाता हूं। पाजी कहीं का, पापा आप चलिए मैं चेंज करके आती हूँ। हेलो, मेरी तबीयत बहुत खराब है कुमार। क्या हुआ? इतनी सर्दी में भी पसीना आ रहा है, जी मचल रहा है, दिल तड़प रहा है। ओहो, फौरन जाके शावर के नीचे बैठ जाओ, मैं भी ना आ रहा हूँ। हमारा शावर खराब है, वहीं आ जाओ। धत, तू नहीं सुधरेगी। माँ नाश्ता लगा दो, फैक्ट्री के लिए देर हो रही है। नाश्ता तो लग गया है, तू ही फोन नहीं छोड़ रहा था। मैं नहीं माँ, वो कामयान आप शराब बक रही थी। क्या कह रही थी? कहेगी क्या, वो तो पागल है। लो बेटे नाश्ता कर लो। लो देखो तेरा दोस्त आनंद भी आ गया। अरे नाश्ता तो करते जाओ। अरे माँ आनंद के साथ कर लूंगा, बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साले साहब। अबे एक दूंगा घुमा के, अभी मेरी बहन से तेरी शादी नहीं हुई। नहीं हुई तो हो जाएगी, टोस्ट खा। चलो लेट्स गो। बॉम्बे से सपना का फोन आया था, उसकी हॉस्टल में छुट्टियां हो गई हैं, वो आ रही है। कब? आज रात को। मुझे लिफ्ट चाहिए, अगर आपको एतराज ना हो तो। कहाँ जाना है? जी यहीं काली पहाड़ी। आइए। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं? जी नहीं, I'm late। कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतनी रात गए जंगल में आप अकेली, डर नहीं लगता आपको? मुझे आबादी से डर लगता है। जी गाड़ी रोकिए, काली पहाड़ी आ गई है। अरे ये तो अपनी किताब भूल गई। Thank you.
अंधेरों के शहंशाह, काली शक्ति के बेताज बादशाह, हमें शक्ति दे, हमें शक्ति दे। आज तेरी इस दासी महुआ ने तेरी पोशीदा ताकत के सहारे काली पहाड़ी की इस उजड़ी हुई वीरान बस्ती को आज फिर से आबाद कर दिया है। बेपरवाह शक्ति के मालिक, हम गुलामों को हमेशा अपनी गैबी ताकत अता करते रहना। कौन है ये लड़की? पकड़ो से भागने ना पाए। और मेरे साथ जाने न पाए। सपना क्या हुआ? आखिर हुआ क्या, कुछ बता तो सही। कुमार, कुमार क्या हुआ सपना को? लगता है किसी चीज से डर गई है। अरे ये तो पसीना पसीना हो गई है। गोपी तू जल्दी से ब्रांडी ले आ। चल, चल। कुमार तू जल्दी से इसके भाई को फोन कर। हाँ। क्या हुआ बेटे? सपना क्या हुआ? आनंद, थैंक यू। पगली, तूने जो कुछ भी देखा ना वो तेरा वहम था। वहम नहीं, हकीकत है भैया। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, अपने पूरे होशो हवास में। मैंने उस लड़की को अपनी कार में लिफ्ट दी, उससे बातें की, काली पहाड़ी पर छोड़ा। तुम्हारा मतलब है कि वो लड़की वहां हंसते हंसते मरने गई थी? ऐसा भी कभी हुआ है? अब मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं? ठहरो ठहरो ठहरो, अगर ये सब हुआ है तो वो शैतान के पुजारी अब भी वही होंगे। चलो वो नहीं होंगे, उस लड़की की लाश तो पड़ी होगी। चलो लड़की की लाश भी ना मिली, कम से कम खून के निशान तो होंगे। होंगे, क्यों नहीं होंगे? तो ठीक है, कल सुबह चलकर देख लेंगे, इस बात का भी फैसला हो जाएगा। तुम काली पहाड़ी जाओगे? मैं नहीं, तुम भी साथ चलोगी, वरना ये तुम्हारा वहम कैसे दूर होगा? यही वो जगह है कुमार, जहां कल रात मैंने उस लड़की को उतारा था। यहां तो लगता है बरसों से किसी परिंदे ने पर भी नहीं मारा। नहीं कुमार,
कमाल है। यही वो जगह है कुमार, जहां कल रात वो शैतान के पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे, और यहां वो लड़की लेटी थी, और यहां वो आदमी खड़ा था जिसने उस लड़की पर खंजर से वार किया। लेकिन यहां तो खून के निशान तक नहीं। अजीब बात है। फिर सपना देखने लगी। चलो तुम सपने बहुत देखती हो, इसीलिए माँ बाप ने तुम्हारा नाम सपना रखा है। अब दूर हुआ तुम्हारा वहम? चलो पगली। कुमार वो देखो। ये वही किताब है जो कल रात भागते हुए मेरे हाथ से गिर गई थी। जो कुछ भी मैंने देखा, अगर वो मेरा वहम था तो फिर ये किताब कैसी? सुनो सुनो सुनो, और क्या लिखा? प्रेत आत्मा, मरने के बाद इंसान का जिस्म खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा जिंदा रहती है। बकवास। नहीं कुमार, कल रात जो मैंने देखा वो सच था। वो लोग प्रेतों की पूजा कर रहे थे। ओहो, इस तरह सोचोगी तो खुद भी पागल हो जाओगी और हमें भी पागल बना दोगी। लेकिन भाभी, जो मैंने कल देखा वो एक वहम था, सपना था, भूल जाओ उसे। चलें। लेट्स गो, कम ऑन। ये तो पगली है। हेलो कामिया, हाउ आर यू? फाइन, हाय। अच्छा हुआ आप लोग सब यहाँ मिल गए, मैं आपके घर आने वाली थी। आज मेरा जन्मदिन है और पापा ने आप सबको इनवाइट किया है। ओह, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। अरे मैं तो इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया। कामिया, ये सपना है, मेरी छोटी बहन, बॉम्बे हॉस्टल में पढ़ती है। हाजी आइए। और सपना, ये कामिया है, मेरे बचपन की दोस्त। हेलो। आज रात आप भी जरूर आइएगा, वरना महफिल की रौनक अधूरी रह जाएगी। जब से कुमार ने फैक्ट्री का जिम्मा संभाला है, मैं तो एक तरह से रिटायर हो गया हूँ। भाई साहब, कुमार को तो इस काबिल आप ही ने बनाया है। नहीं भाभी जी, ये तो इसकी खुद की मेहनत का नतीजा है। वो क्या है कि एक्सक्यूज मी कुमार, एक मिनट। हाय, हमसे तो खुशनसीब ये जाम है जो तुम्हारे होंठों से तो लग गया। सपना। हेलो। ओह, हियर ही इज। हेलो कुमार, हाउ आर यू? हाय। हेलो। हाय। आने में बहुत देर कर दी यार। भाई ये सब सपना का कसूर है, चार बार कपड़े बदल चुकी है। कुमार को ये पसंद नहीं, कुमार को वो पसंद नहीं। पानू, चलो ठाकुर साहब से मिलो। कम से यू। कैसी लगती हो? कयामत लगती हो। ऐसा लगता है कोई परी अभी अभी आसमान से उतर आई है। क्यों कुमार? ए नदिया से दरिया टपा, दरिया से सागर, सागर से गहरा जा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अब हुआ? Cheers. Cheers.
एक्सक्यूज मी कुमार, जरा इधर आना। कामिया चलो ना। देखो कामिया, हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। लेकिन मैंने तो तुम्हें हमेशा एक ही नजर से देखा है, प्यार की नजर से। हमें इस तरह अकेले ऊपर नहीं आना चाहिए था। नीचे मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। मैं जानती हूं तुम्हें किस मेहमान की फिक्र है। भाभी, मैं घर जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुमार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मेरी किताब तुम्हारी गाड़ी में रह गई थी। हाँ हाँ, वो मैं आपको लौटाने गई थी, मगर कहाँ है वो किताब? वो घर पे। मुझे वो किताब चाहिए। आप यही रुकिए, मैं किताब लेकर आती हूँ। तुम्हें सारा पार्टी से क्यों चली आई? कुमार, वो फिर आई है। कौन आई है? वही काली पहाड़ी वाली लड़की, वो जिंदा है। कहाँ है वो? वहाँ बाहर गाड़ी के पास। आओ मेरे साथ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ कुमार, वो मेरे साथ कार में आई थी। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? Oh my God, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, ये किताब ही मनहूस है। Come on. सपना, ये सच है, मुझे पाने के लिए वो जिद्दी लड़की कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब तुम जानते थे कि काम्या तुमसे प्यार करती है, तो फिर तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? काम्या का प्यार प्यार नहीं, भटकी हुई जवानी का एक नशा है, और फिर मैंने कभी उससे मोहब्बत नहीं की। लेकिन कुमार, मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प देखी है।
वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मेरे बिना रह सकती हो? सपना, मैंने प्यार किया है तो सिर्फ तुमसे। कामयाब तो क्या, दुनिया का कोई भी तूफान कितना भी तेज क्यों ना हो, हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। ओ कुमार, फैसला सुनाना चाहती हूँ। कामिया, मैं सपना से मोहब्बत करता हूँ। सपना में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? कुमार, आई लव यू, आई लव यू कुमार। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी कीमत पे नहीं खो सकती। कामिया, कामिया, मुझे हमेशा के लिए अपनी बाहों में समेट लो, समेट लो। मुझे इतना करीब ले लो कुमार कि हम दोनों एक हो जाएं। कुमार, आई लव यू। कामिया, 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 कामिया। ठाकुर साहब के घर पैदा होकर तुमने उनके मुंह पर कालक पोत। तुमने अब तक कामिया की मोहब्बत देखी है, अब उसकी नफरत भी देखोगे। पहाड़ी की अमानत, नेवला का वरदान, अब मैं तेरी नसों में वो काला जहर भर दूंगी कि एक दिन तो खुद अपने आप को नेवला के हवाले कर देगी। कौन हो तुम लोग, मुझे यहां क्यों लाए हो? ये तो एक मामूली सा चमत्कार है, यहां इससे भी बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। वो देखो। हम अंधेरों में छिपी बेपनाह ताकत के मालिक हैं, जो जमाने से नाउम्मीद हो जाते हैं उनकी हर ख्वाहिश यहां पूरी होती है। अगर दुनिया ने तुझे प्यार के बदले ठोकरें दी हैं, तो हमारी काली पहाड़ी की काली शक्ति के सहारे तू अपना खोया हुआ प्यार हासिल कर सकती है। लेकिन इसके लिए तुझे हमारे गिरोह में शामिल होना होगा। मैं तुम्हारे गिरोह में शामिल होने के लिए तैयार हूं। कुमार को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। सोए नहीं? आज
बहुत देर हो गई बेटी, कहाँ से आ रही हो? पापा, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, एक्सीडेंट होने वाला था काली पहाड़ी पर। काली पहाड़ी? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं पापा, आई एम ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटे, अरे तू तो पसीना पसीना हो रहा है। माँ, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। पगले, अरे तूने कोई सपना देखा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सपना। पहला पति परमेश्वर का होता है। अबे ओ परमेश्वर के बच्चे, अभी मैंने तेरी शादी का फैसला नहीं किया और तू पति बन बैठा। तेरे फैसले से क्या होता है, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा पाजी। लीजिए जवाई जी। और सुनाइए। एक तो मौसम ठंडा, ऊपर से ठंडा पिलाकर आप मुझे और ठंडा करना चाहती हैं। आज तो हम कुछ गर्म पिएंगे। लो, ये भी खत्म हो गई। भाभी, कुछ ज्यादा ही पी गए हैं। अब बस भी करिए, कितनी पिएंगे? क्या बात करती हो भाभी, मैंने अब तक छुई भी नहीं। अच्छा, तो और ले आओ थोड़ी सी। नहीं नहीं, मैं खुद ले आता हूँ। औरतें शराब को हाथ नहीं लगाती। बहुत शुक्रिया, बाय बाय। उठो मेरे सुस्त आशिक, सब मेहमान जा चुके हैं। अब मैं क्या करूं इसका? ये तो गया काम से। बिल्कुल, आज रात को इसे यहीं सुला दे। नहीं नहीं, मैं घर जाऊंगा। देख, तू घर जाने के लायक नहीं, रास्ते में कहीं गाड़ी वाड़ी ठोक देगा। अरे मैं चला जाऊंगा यार। सिद्ध मत करो कुमार, रात को यहीं रुक जाओ। मैंने माजी को फोन तो करी था। हाँ। सपना, कुमार को ऊपर वाले कमरे में ले जाओ। जी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। संभल के सीधे जाके सो जाना है। कुछ नशा कम हुआ कि एक बार फिर डुबो दूं। अब लग गया। क्या कमाल है, इतनी रात को कहां जा सकता है? रुको भैया, ये देखो कुमार की कार। कुमार, कुमार,
कुमार 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 तुम इतनी रात गए कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? कब्रिस्तान? कुमार कुमार चलो घर चलो चलो ध्यान नहीं आना चाहिए था ठाकुर साहब देख लेते तो क्या होता मैंने अभी भी उन्हें जाते हुए देखा है अच्छा जल्दी बताओ क्या काम है क्यों आए हो यहाँ सुनो आज रात तुम्हारा काली पहाड़ी पर आना बहुत जरूरी है भैया ये तो काली पहाड़ी वाले उसी गिरोह का आदमी है जो काला जादू करते हैं लेकिन ये आदमी यहाँ क्या करने आया था हा? कामिया से इसका क्या वास्ता कहीं ऐसा तो नहीं कि कामिया भी इनके साथ मिल गई हो अब समझा उस रात कब्रिस्तान में कुमार की तस्वीर कैसे पहुंची मैं कुछ नहीं जानता मुझे कुछ नहीं मालूम कुछ नहीं मालूम मैं उस रात कब्रिस्तान क्यों गया था क्यों गया था मैं बताती हूं कामिया तुम्हें पाने के लिए गलत राह पर चल पड़ी है वो हम दोनों को अलग करने के लिए काली पहाड़ी वाले शैतानों से मिली ये झूठ है ये सच है वो तुम्हें मुझसे छीनने के लिए तुम पर काला जादू कर रही है शट अप कुमार पागल हो गया है तो शर्म नहीं आती इस तरह हाथ उठाते हुए मत बेटी आखिर आखिर बात क्या हुई मैं बताता हूं माजी कुमार अपनी जिंदगी की असलियत से भटक चुका है ये अपने होश हवास खो बैठा है आनंद आनंद ठीक कहता कुमार मैं पूछता हूं उस रात आधी रात तुम कब्रिस्तान में क्या करने गए थे कुमार तुम वहां खुद नहीं गए थे तुम्हें वहां बुलवाया गया था तुम पे जादू टोना किया गया था इसका सबूत है मेरे पास कुमार ये तस्वीर देखो देखो ये तस्वीर देखो कुमार ये तस्वीर मुझे उस रात कब्रिस्तान में मिली शक्ति का मालिक 18 साल पहले आज ही की रात को जिस ठाकुर ने तेरी आबाद बस्ती को वीरान बना दिया था आज उसी ठाकुर की बेटी तेरी बरसों की अधूरी प्यास बुझाने के लिए खुद चलकर तेरे कदमों में आई है तू बड़ी खुशकिस्मत है तुझे आज महान नेवला के दर्शन होंगे नेवला कौन नेवला अंधेरों का शहजादा
बेपनाह शक्ति का मालिक। तू ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी नहीं है बल्कि काली पहाड़ी की अमानत है, जिसे तेरी माँ ने नेवला को सौंपने से इनकार किया था और तेरे बाप ने काली पहाड़ी को शमशान बना दिया था। आज तू अपने माँ बाप के पापों का प्रायश्चित करेगी नेवला की दासी बनकर। अब तू हमेशा के लिए कैद है इस बंद दरवाजे में। सपना? हाँ, तुम्हारा बिखरा हुआ सपना। मैं जानती थी तुम मेरी बाहों में लौट आओगी। कामिया? हाँ? यहां सिवाय मेरी और कोई भी नहीं है। लेकिन मैंने अभी काम्या को वहां देखा। वो तुम्हारा भटका हुआ ख्याल था। मैं पागल हो जाऊंगा, जाना तो मुझे। जाओ, लेकिन जा नहीं सकोगे। तुम्हें मेरे प्यार का जवाब प्यार से देना होगा। मेरा तन बदन तुम्हारी प्यार की आग में जल रहा है।
कुमार, पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हारा सुख चैन छीनने वाला कोई नहीं, सिर्फ कामिया है। हाँ? कल रात मैंने खुद अपनी आंखों से उसे काली पहाड़ी की तरफ जाते देखा है, जहां इंसान ही शैतान बसते हैं। लेकिन मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है। तो आज रात को चलकर खुद अपनी आंखों से देख लो। को शैतानों के चुंगल से निकालने के लिए हम उन गुफाओं में गए भी, लेकिन अचानक एक दीवार टूटी और उस दीवार के पीछे से एक खौफनाक शक्ल दिखाई दी। चारों तरफ कोहरा फैल गया, हम अंधेरे में भटक गए, और जब वो कोहरा हटा ना वह कामया थी और ना वो शैतान। कहाँ है तू? कहाँ है तू? डायन, तू अभी तक जिंदा है? मर जाती तो आज तेरी तड़प का तमाशा कैसे देखती ठाकुर। कमीनी, पता कामिया कहाँ है? कामिया को भूल जाओ। ठाकुर आयन, तूने ईश्वर का द्वार छोड़कर शैतान के चौखट पर कदम रखा, उसकी सजा आज तेरी बेटी भुगत रही है। धीरज रखिए ठाकुर साहब, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? दो दिन से मेरी बेटी लापता है।
क्या हुआ, कुछ पता चला काम्या का? नहीं, मैंने काली पहाड़ी पर हर जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उस शैतान दरिंदे ने उसे कहां छुपा। इस वक्त तुम मेरे काबू में हो। आज रात काली पहाड़ी के तहखाने में नेवला के लिए एक नई दासी आएगी और तुम उस दासी को लाओगी। भानु, काम्या, दो दिन से तू सब लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। ठाकुर साहब का तो बुरा हाल है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ भानु, मुझे बचा लो। अरे क्या हुआ? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अभी इसी वक्त। लेकिन कहाँ? सब बताती हूँ, तुम चलो तो। आखिर तुम मुझे लेकर जा रही हो? जहां सब रास्ते खत्म हो जाते हैं। क्या मतलब? वो एक ऐसी बेनाम मंजिल है जिसके सन्नाटे में इंसान सिर्फ अपनी ही सांसें और धड़कनें महसूस कर सकता है। चलो, ये तो भानु की कार है।
बेटी कुछ बता तो सही, हुआ क्या? क्या बताऊं अंकल, कल रात कामया आई थी, कह रही थी मैं मुसीबत में हूं, मेरी मदद कर। मैं उसके साथ गई, लेकिन वो मुझे धोखे से काली पहाड़ी ले जाना चाहती थी। गांव में सबसे कह दो, अगर कामया किसी को नजर आए तो उसे गोली मार दे। ठाकुर अंकल, कामया अपने होश में नहीं है, वो जो कुछ कर रही है वो शैतान के इशारों पे कर रही है। कामया तू? मैं बहुत मुसीबत में हूं सपना, मुझे बचा लो। क्या हुआ? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अभी इसी वक्त। चलो मेरे साथ, छोड़ो मेरा हाथ। मैं कहती हूं चलो, छोड़ो मेरा हाथ, चलो छोड़ो। मैं कहती हूं चलो मेरे साथ, छोड़ो।
सपना? क्या हुआ सपना? कुमार, वो शैतान, वो दरिंदा, वो मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। सपना, वो मुझे मार डालेगा। कहाँ है वो? कहाँ है वो? सीढ़ियों के पास। आओ मेरे साथ। नहीं। आओ मेरे साथ। नहीं। आओ। नहीं। काली पहाड़ी जाऊंगी। नहीं, 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 नहीं! भैया, भैया क्या हुआ भैया? भैया तो बोलते क्यों नहीं? भैया भाभी को क्या हुआ? भाभी को क्या हुआ भैया? सपना, उस काले नाग ने तेरी भाभी को डस लिया। लेकिन आज के बाद ये इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी, समझी? नेवला का हुक्म है कि ये लड़की उसकी इजाजत के बिना इस बंद दरवाजे से बाहर नहीं जा सकती। मां करो इसके जिम्मे। Thank you.
निकाल। महागुरु, तुम अपने जिम्मेदारी में नाकाम रहे। कामिया के साथी उसे छुड़ा कर ले गए। अब तुम्हें नेवला जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब है कि नेवला सूरज की किरणों से डरता है। जाने ये किस तरह का जख्म है? माफ कर दो मेरे आका, मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी बख्श दो मालिक। मैंने अपना खून देकर तुम्हें जिंदगी दी है और आज तुम अपने एक गुलाम की जान लेना चाहते हो।
भैया, भैया गजब हो गया भैया, भाभी घर से बाहर चली गई काली पहाड़ी की तरफ। कब? अभी इसी वक्त। लेकिन तुमने उसे रोका क्यों नहीं सपना? भैया मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन। ठीक है गाड़ी में बैठो चल। सपना तुम आ जाओ। पहाड़ी नहीं गुनाहों का अंधेरा है, जहाँ जहाँ तो हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी भानु। मैं नेवला के पास जाऊंगी, मैं नेवला के पास जाऊंगी। भाभी, भानु, तो उस शैतान के पास जाना चाहती है जिसने तेरी नसों में जहर भर दिया? नहीं भानु, मेरे जीते जी मैं तुझे उस मौत के मुंह में नहीं धकेलूंगा भानु, नहीं धकेलूंगा। भाभी, न कामिया की मां नेवला से मिलती न ही मेरी बच्ची उसके जाल में फंसती, न भानु और सपना पर कोई मुसीबत आती। मैं तो कहता हूं कि वो मेरी जान ले ले लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दे। हौसला रखिए ठाकुर साहब, किसी को कुछ नहीं होगा, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं बेटा नहीं, तुम उसके नजदीक मत जाना। आज से 18 साल पहले मैंने अपने इसी हाथ से नेवला के सीने में खंजर घोपा था। वो इंसान नहीं शैतान है। भानु, भानु, भानु,
नहीं 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 भानू नहीं नहीं भानू नहीं 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 भानू नहीं तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती भानू नहीं जा सकती भानू नहीं जा सकती खाना खा लो भैया। ले जाओ सपना, भूख नहीं है। भाभी तो चली गई, तुम भूखे रहकर क्यों अपनी जान से खेल रहे हो? क्या चाहते तुम लोग? कामिया को काली पहाड़ी से आजाद करवा के तुम लोगों ने अपने कैद के दरवाजे खुद खोल दिए। अब तुम्हें कामिया की कमी पूरी करनी होगी। नेवला की दासी बनकर पता
कहां है तुम्हारा वो शैतान दरिंदा, बता। वो कौन सी काली गुफा है जिसमें तुम लोगों ने उस दरिंदे को छुपा रखा है? बता, वरना मार मार के मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। बता, बोल। बताता हूं उस खुफिया दरवाजे के पीछे एक और बंद दरवाजा है, और उस दरवाजे के खुलने का वक्त कौन था वो? कामिया बेटी, कामिया, सपना, बस कर बेटी, बस कर। मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूं। जो कहर तुम पे टूटा है उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। जहरीले नाग, तूने मेरी मां की जिंदगी में जहर घोल दिया, मुझे और मेरे खानदान को बर्बाद कर दिया। आज मैं तेरे पापों का अंत कर दूंगी। कामिया,
कामिया। जाने का दूसरा रास्ता है। शैतान के पुजारी, मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। नहीं, मुझे मत मारो। अगर मैं मर गया तो तुम नेवला की मौत का राज कभी नहीं जान पाओगे। राज?
कैसा राज? बताता हूं, लेकिन पहले वादा करो कि तुम मेरी जान बख्श दोगे। भागो! नेवला की जिंदगी काली पहाड़ी के अंधेरे तहखाने में छुपे उस शैतानी पुतले में है। अगर वो पुतला जल गया तो समझो नेवला भी जलकर खाक हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूं। कुमार, तुम उन बस्ती वालों की मदद लो, देखो कि नेवला इस इलाके से निकल ना पाए। मैं काली पहाड़ी की ओर बढ़ता हूं उस शैतानी पुतले को जलाने के लिए।
खाक की अमानत खाक के सुपुर्द कर दी गई। ईश्वर की शक्ति के सामने शैतान का अंत हुआ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।